संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जयरामपुर कोयलरी में लगातार एक माह से 22 बीसीसीएल कर्मियों का तबादला को लेकर लोधना प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं लोधना कोयलवरी के परियोजना पदाधिकारी के द्वारा 22 मजदूरों को बीते दिनों ऑफिस ऑर्डर निकालकर पुजामा कोयलवरी में ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं मजदूरों का कहना है कि जयरामपुर कोयलरी में कार्यरत हैं तो हम लोगों को जयरामपुर सूसी परियोजना में दिया जाए, लेकिन प्रबंधन द्वारा ऐसा ना कर हम मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। वहीं संयुक्त मोर्चा के नेताओं का कहना है कि परियोजना पदाधिकारी के आने के बाद मजदूरों को इन दिनों काफी शोषण किया जा रहा है। जबकि इस संबंध में परियोजना पदाधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मजदूरों के साथ नियम संगत कार्य किया जा रहा है और कार्य करवाना हमारा प्राथमिकता है। मुद्दा है जो 22 आदमी का स्थानांतरण को प्रबंधन द्वारा प्रेरित करके ट्रांसफर किया गया। देखिए, परियोजना प्राधिकारी के एक ही मंशा है, मजदूरों का दोहन शोषण, आर्थिक रूप से इनको परेशान किया जाए और यहाँ के जो आउटसोर्सिंग है उसको किस तरह से मजदूरों का शोषण करते हुए आउटसोर्सिंग को लाभ पहुँचाया जाए, यही यहाँ के परियोजना पदाधिकारी और इनके साथ जो यहाँ के बीके सिन्हा जो GM है इनकी भी यही मंशा है। इसको संयुक्त मोर्चा के ट्रेड यूनियन के साथ मजदूरों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए इसको हम लोग नकारते हैं और इसको कहीं से भी इसको चलने नहीं देंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आज तक के इतिहास में लोधना एरिया में ऐसे भ्रष्ट प्रबंधक कभी नहीं आए थे, जो कि लोहा चोर कोयला चोर से सांठगांठ रखते हैं, आउटसोर्सिंग से सांठगांठ रखते हैं और मजदूरों के हित के बारे में नहीं सोचते हुए मजदूरों का दोहन शोषण करते हैं। इसका यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन, इसके साथ ही यहाँ के परियोजना पदाधिकारी के विषय में हम लोग CMD के साथ मिलेंगे, संयुक्त मोर्चा के नेता के साथ में, यहाँ के परियोजना पदाधिकारी को यहाँ से अविलंब यहाँ से हटाया जाए और इन पर पूर्व में भी विजिलेंस का जांच हो चुका है, इसलिए यहाँ के परियोजना पदाधिकारी को अविलंब यहाँ से हटाया जाए। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को ये मजदूर के बीच में कोई आवश्यकता नहीं। जो 22 मजदूर था उसमें 2-3-4 आदमी को फोड़ के और पैसा लेकर मुद्रा मोचन करके जो उसको विभिन्न जगह में पत्र देकर काम करने का आदेश दिया है। वाह, एक साथ आप चिट्ठी जारी करते हैं फिर अलग अलग भी चिट्ठी जारी करते हैं, ये कहाँ के बात है। और मैं एक बात और आपके इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहूँगा कि जो भी उसका यहाँ दलाल है और वो दलाली कर रहा है वो सावधान रहे। अब जो है संयुक्त मोर्चा उसके खिलाफ भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और मैं यहाँ CMD से और DP से और DT से मांग करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट परियोजना पदाधिकारी को यहाँ से हटाएं और जो मजदूर का मानसिक प्रताड़ना और जो आर्थिक शोषण हो रहा उससे बचाएं। मजदूर काम करना चाहता है, उद्योग बढ़ाना चाहता है, देश हित में कोयला को निकालने के लिए मदद करना चाहता है। ऐसे परियोजना पदाधिकारी रहेंगे तो ये उद्योग जो है बराबर जो है डिस्प्यूटेड रहेगा, विवादित रहेगा। इससे पहले भी परियोजना पदाधिकारी थे लेकिन इतना डिस्प्यूटेड नहीं था, इतना विवादित नहीं था। जब से योगदान दिए तब से पूरे अमल गमेटेड जयरामपुर को ये चरगाह बना लिया है। आश्वासन दिया कि 22 मजदूरों का स्थानांतरण रुक गया, नहीं जाएगा और उन्होंने आदेश भी दे दिया एजेंट को, लेकिन जो पांडे साहब एजेंट है वो GM के बातों का अवहेलना करते हुए, उनके बातों का नकारते हुए उनका अपना आदेश जारी करके 18 दिसंबर को कुजामा के 22 मजदूरों को स्थानांतरण कर दिया और यहाँ पर हाजिर पर रोक भी लगा दिया। उसकी मनमानी दिन प्रतिदिन जो मैंने जारी है, उनका कोलरी से कोई लगाव नहीं है कि किस कोलरी में मजदूरों के क्या असुविधा हो रही है, कभी भी है जो नहीं जानता है। नहीं यहाँ पर डॉक्टर है, चिकित्सा नहीं हो रहा है, यहाँ पर रोड और पानी का भी अभाव है, जहाँ पाता अपने मनमानी है जो रोड कटवा दे रहा है। ये जो सिर्फ आउटसोर्सिंग कंपनी को मदद करने के लिए ये जो दिमाग अपना लगाए रहता है, लेकिन मजदूरों का हो चुकी है तो फिर ट्रेड यूनियन के बातों को नहीं मान करके वो अपना मनमानी कर रहा है, जिससे प्रबंधकों के और मजदूरों के बीच का नेताओं के बीच में मधुर संबंध जो है वो समाप्त होने जा रहा है। अब हम लोग कार्य जो है उसको स्थानांतरण करने के लिए
हम लोग सीएमडी से मिलेंगे। तरापुर बागडीगे एकत्रित कोलरी के एजेंट जो है इनको जो ट्रांसफर किया जाए। अपना परिचय दे दो। मेरा नाम मुंद्रिका पासवान।